हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टच एंड होल्ड विद थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिस्टम सेटिंग पे जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टच एंड होल्ड विद थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, यानी कि आप इसे राइट साइड से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने फ़ोन को टच करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो आप यहाँ पर अपना स्क्रीन शॉट ले पाएंगे। ये देखिए, जैसे मैं इतना स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, जी देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर वगैरह करना चाहते हैं कलर वगैरह कर सकते हैं, मार्क करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, या फिर शेयर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, बैक जा सकते हैं। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका ये सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप इस सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक और तरीका हमारे पास, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, यहाँ पर सर्च में आ जाएगा। इस पर हम जाएंगे और डायरेक्टली हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।